नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान पॉइंट में। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से मिलकर किया बड़ा ऐलान। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से मिलकर उन गरीब लोगों के लिए राशन वितरण का ऐलान किया है। जो लोग बहुत गरीब हैं, जिन्हें खाने की दिक्कत हो रही है और वह इस महामारी में अपनी ज़िंदगी को बहुत ही संघर्ष तरीके से झेल रहे हैं, उनके लिए दिल्ली सरकार ने 5 किलो अनाज का प्रबंध किया है, जिसमें से उन्हें 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल दिया जाएगा। अभी ये राशन सिर्फ 10 लाख लोगों को दिया जाएगा और ये राशन दिल्ली के 421 स्कूलों में बंटना स्टार्ट हो गया। कैबिनेट का बड़ा ऐलान। सांसद, मंत्री, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अनेक राज्य के राज्यपाल, इन सब ने अपनी स्वेच्छा से 1 साल तक 30% वेतन कम लेने का किया ऐलान। ये पैसे कॉन्सिलेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा होंगे, जिससे कि कोरोना से लड़ने में सरकार को मदद मिलेगी। यूपी सरकार का बड़ा ऐलान। यूपी सरकार श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि जब तक कोरोना के एक भी मरीज रहेंगे, तब तक हम अपने लॉकडाउन को नहीं तोड़ेंगे। सरकार श्री अरविंद केजरीवाल जी ने कोरोना से लड़ने के लिए 5T प्लान लागू करेंगे। पहला टी होगा टेस्टिंग, यानी उन लोगों की टेस्टिंग की जाएगी जिस इलाकों में सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज पाए गए हैं। दूसरा टी है हमारा ट्रेसिंग, यानी जो हमारे कोरोना के मरीज हैं वो किन किन व्यक्तियों से मिले हैं, इन 14 दिनों में वो व्यक्ति किन किन से मिले हैं, उन्हें भी ट्रेसिंग करनी है। इसके लिए हमारी सरकार पुलिस की मदद ले सकती है। तीसरा टी हमारा जो है वो ट्रीटमेंट, जो व्यक्ति कोरोना से ग्रसित हो गए हैं उन्हें सरकार अच्छी सुविधा के लिए मेडिकल की ट्रीटमेंट देगी, ताकि उन्हें सेल्फ क्वारंटाइन किया जाए और उनका अच्छे से इलाज हो सके। चौथा टी जो हमारा है टीम वर्क, अनेक राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सीखना चाहिए कि वह कैसी योजनाएँ बना रहे हैं, वहाँ क्या लागू है, और हमें एक टीम वर्क की तरह काम करना है। अनेक अनेक राज्य मंत्री जितने भी हैं उन्हें टीम वर्क की तरह काम करना होगा, ताकि इस कोरोना से लड़ सकें। पांचवा टी है ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं CKJ जी लेंगे। वे देखेंगे कि लोगों की सही से टेस्टिंग हो रही है कि नहीं, ट्रीटमेंट हो रहा है कि नहीं, ट्रेसिंग हो रही है कि नहीं हो रही, इन सब की जिम्मेदारी स्वयं केजरीवाल जी लेंगे। यह जो मॉडल है ये साउथ कोरिया ने अपनाया है, उसने यह अपनाकर बहुत ही अपने आप को बचा लिया है इस वायरस से, अपने आप को बहुत ही कम नुकसान होने से बचाया है। जय हिंद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें।